स्कूल में भी जाती हैं, आपके कोलीग्स भी होंगे, तो कैसा रिस्पॉन्स था? शी इज सो इनोसेंट, डिसेंट, शाय, सारा कुछ है इनके अंदर ना। कुछ आपके ऐसे इंटरव्यूज हुए जो एज अ व्यूअर मुझे भी काफी वियर्ड लगे? लास्ट में बहुत प्यारा गाना गाया था इनके लिए, द माइक इज ऑल योर्स। ऐसा इंटरव्यू तो होश राजी बाजी। तू ही ये मुझको बता दे चाहूं मैं या ना, नींद बड़ी आ रही है। आप कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। आवारा गर्दी करने से, भूंडी करने से बेहतर है कि बंदा शादी करके जिम्मेदारी को संभाल ले। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी शादी कर ली। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ मायरा भट्ट और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। आज से तकरीबन 2 महीने पहले मैं एक बहुत ही खूबसूरत कपल से मिली थी और इनकी जो कहानी है वो बहुत वायरल भी हुई थी। डिफरेंट चैनल्स ने इनकी कहानी को कवर किया, जहाँ पर कुछ लोगों ने इनको तनकीद का निशाना बनाया वहीं पर कई लोगों ने इन्हें प्यार भी दिया। मैं थोड़ा सा रिकॉल करती चलूँ कि इनकी कहानी थी क्या। ये एक यंग कपल है, जुहेब एंड असमा। असमा की एज है 35 जबकि जुहेब हैं 20 साल के, और ये जो एक एज गैप था, एज डिफरेंस था, इसने इनकी कहानी को वायरल कर दिया। इसमें जुहेब ने सुन्नत भी पूरी की, अपना प्यार भी हासिल किया और एक बहुत ही अच्छे अंदाज में अपने प्यार को अपने निकाह में लेकर आए, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, इसलिए ये मेरे फेवरेट भी हैं। सो आइए दोबारा मुलाकात करते हैं जुहेब और असमा से। हाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे लगता है जुहेब ने लास्ट वाले इंटरव्यू की बात दिल पर ले ली थी, ज़्यादा चुप है। असमा बोलिए, आप कैसे हैं जुहेब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, बस इनसे ज़रा बात करें आज। क्यों, आपसे क्यों ना बात करें? नहीं, मुझसे भी बात करें, लेकिन ये बोलती नहीं आज। मैंने कहा आपको देख के शायद बोल पड़ी। बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जाहिर है जब आपके इतने इंटरव्यूज़ हुए हैं तो लाइफ में कुछ तो तब्दीली आई होगी, चेंजिंग आई होगी, तो अब की लाइफ कैसी है, कैसी जा रही है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है अब की लाइफ। मतलब रिलेटिव्स का कैसा रिस्पांस है, स्कूल का कैसा रिस्पांस है? कंट्रोल नहीं हो रहा, अब साथ ही बोल रहे अब, नहीं उनकी बात आपकी तरफ आऊंगी। क्यों नहीं आएगा बताएंगी वो, एग्जैक्टली बताएंगी। अच्छा जा रहा है कि स्टार्ट में थोड़ी बहुत बातें भी सुनने को मिली हैं, लेकिन अच्छा जा रहा है अभी तक रिस्पांस। शुक्र है। असमा का जो एक्सपीरियंस है जरा आप बता दें, आप क्या कहना चाह रहे थे? मेरा ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस रहा है। वजह? क्योंकि हर इंटरव्यू के अंदर टर्टर मैं ही बोली गया हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा कम बोली हूँ, तो हर बंदे ने फिर मुझे कहा यार तू बड़ा बस ठीक है। आगे समझ लें आप खुद ही। ये चुलबुला अंदाज जो है ये सिर्फ कैमरा के आगे होता है कि ये पीछे भी ऐसे ही? पीछे भी ऐसे ही, तो फिर तो दिखावा ना हुआ ना, वो है ही ऐसा, जब इंसान है ही ऐसा तो फिर क्या किया जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, आप लोगों ने अपना एक चैनल माशाल्लाह बना लिया है, तो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, कैसा जा रहा है अभी तक? मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छा चैनल जा रहा है, मेरी इतनी उम्मीद नहीं मैंने की थी उससे, क्या लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था इतना, जितना वो ग्रो कर गया वो अभी तक माशाल्लाह। वो सिर्फ 40 दिन के अंदर अंदर 45,000 मेरे सब्सक्राइबर हो गए 40 दिन के अंदर। अच्छा, तो टॉपिक्स कौन सिलेक्ट करता है या वो रेंडमली ऑन डेली बेसिस जो बंदा बना लेते हैं? जो बनता बना लेते हैं वो भी है, लेकिन अगर डिसाइड करता है तो कि हाँ जी कोई जैसे ये क्या बात हुई, मतलब बीवी की चलनी चाहिए यहाँ पे, शोहर की क्यों चलती है? मुझे भी कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं टॉपिक से, होता कभी ये सोता कभी वो सोता, यार क्या करें यार वो क्या करें, फिर एडिटिंग भी करनी होती वीडियो। खैर स्टार्ट में तो मुझे भी एडिटिंग करनी नहीं आती थी, लेकिन अब मैं एडिटिंग करनी भी सीख रहा हूँ, और बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं मुझे पता चला, वो आप मुझे बता देना कैसे। ठीक है। अच्छा तो अभी आपकी कोई अर्निंग स्टार्ट हुई है? अगर हुई है तो कितना कमा लेते हैं यूट्यूब से? फिलहाल तो जमा ही हो जा रही है, अकाउंट के अंदर पिन कोड आने के बाद पता चलेगा कितना कितनी कमाई है। ये वाला दुख ना सिर्फ यूट्यूबर्स समझ सकते हैं कि पिन कोड नहीं आता, बट चले कोई नहीं, जमा तो हो रहे हैं ना, आपको तसल्ली तो है ना कि जब भी पिन कोड आएगा वो जितने जमा हो रहे हैं हम निकलवा लेंगे। क्या करेंगे आप सबसे पहले जब वो सारे पैसे निकलवाएंगी? सबसे पहले क्या करना है अभी कुछ सोचा नहीं है। सोचे ना, देखें बैंक में जमा हो रहे हैं, सोचना शुरू कर दें इससे पहले वो खर्च करें। आप अपनी प्लानिंग्स कर लें, मैं बताती हूँ। अभी तक जो भी मैंने कमाया ना वो मैंने इनको ही दिया है, मैंने कहा ये लो घर पे आके कुछ अपने पेरेंट्स को दे देता हूँ, कुछ इनको देता हूँ, मौज करो, मैं तो बस एक मशीन बन के रह गया हूँ। अरे वाह, आज तो आपका बेबी भी इंटरव्यू में इंक्लूड हो गया, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। बोलता है ये? नहीं बोलता नहीं है, बस थोड़ा बहुत छोटे बहुत। ठीक है। अच्छा चलो आज हाय कर।
वो अपनी अम्मी पे गया इज अ शाय, लेकिन थोड़ा शरारती भी लग रहा है, तो अब्बू की आदत भी है। यार सही, सच में अपने अपने अब्बू पे गए, साथ ही चुप हो गए देख के मुझे। अच्छा सो मुझे बताइएगा कि जैसे कि जुहेब कह रहे थे कि काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा क्योंकि इनको काफ़ी बातें सुनने को मिल रही थी कि जनाब ये बहुत बोलता है, आपको कैसा रिस्पांस मिला? जाहिर है आप टीचिंग भी करती हैं, स्कूल में भी जाती हैं, आपके कोलीग्स भी होंगे, तो कैसा रिस्पांस था? जी मुझे ना फर्स्ट वीक में थोड़ा हुआ प्रॉब्लम कि शायद मुझे कोई बात, लेकिन नहीं, मेरा ओवरऑल यानी कि स्कूल में इतना अच्छा टाइम स्पेंड होता है ना कि कुछ भी नहीं हुआ। इवन के हमने ऑफ टाइम पे स्टूडेंट्स के साथ लाइन अप करके ना उन्हें बाहर ही खड़े होना होता है, तो मदर्स जो मिल रही थी और कह रही थी कि ना हम आपको वीडियो में देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे तब बहुत खुशी होती थी। एक्चुअली ये कहने इंग्लिश में डिसेंट इनोसेंट, शी इज़ सो इनोसेंट डिसेंट शाय, सारा कुछ है इनके अंदर ना, तो समझ लें कि एक जन्नत बन गई है मेरे लिए कम्प्लीट। नहीं वो तो है, जब मेरी आपसे पहली मुलाकात हुई थी तो मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने उस इंटरव्यू में भी बोला था कि इनका बड़प्पन है, क्योंकि यू नो हाँ आप हंस रहे हैं बट दैट्स ट्रू, क्योंकि मैं खुद लड़की हूँ और मैं फील्ड में निकलती हूँ, मैं जानती हूँ कि मेरे कितने नखरे हैं, क्योंकि वो नखरे इस वजह से हैं कि भाई मैं पढ़ी लिखी हूँ, आई कैन अर्न, आई कैन डू एनी थिंग, मुझसे तो कोई भी शादी कर सकता है, तो अगर उसने आपको हाँ बोलिए ना तो No. कोई बात नहीं, जाहिर है जब लड़की की तारीफ होती है तो लड़का चुप हो ही जाता है। अच्छा आपके काफ़ी इंटरव्यूज़ मैंने देखे हैं और हर इंटरव्यू में जाहिर है यू नो हर एक का एक डिफरेंट टॉपिक होता है अपने व्यूज़ की खातिर कह लें या आई डोंट नो, लेकिन कुछ इंटरव्यूज़ मुझे वियर्ड भी लगे आपके, शायद आपको पता मैं किन इंटरव्यूज़ की बात कर रही हूँ, आपको समझ आ गई है, तो वो इंटरव्यू की जो टॉपिक था वो सिलेक्शन आपकी होती थी या जो इंटरव्यू करने आता था उसकी होती थी? नहीं उनकी होती थी, जो मतलब वो जो कहते थे कि यार इंटरव्यू हमने करना है ऐसे ही करना है, तो मैं कहता था ठीक है, कुछ एक दो के अंदर उन लोगों ने कहा कि फ़नी चीज़ें ऐड करनी है, तब समझ लिया कि मेरे जो जेन है ना अकल जो मेरी वो ख़त्म ही पड़ी थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इतने ज़्यादा फ़ोन आ रहे थे कि भाई हमने आपका इंटरव्यू करना है, फिर 10 मिनट के बाद फ़ोन बंद आना, फिर हमने आपका इंटरव्यू करना है, यानी कोई समझ लिया कि 40 से 50 यूट्यूबर्स ने मुझसे रब्ता किया कि आपका इंटरव्यू करना है हम लोगों ने, तो आप खुद ही सोचें कि जब फ़ोन पे फ़ोन आएगा फिर बंदे के पास अपने काम भी करने होते हैं घर के, तो उस पर क्या गुजरी होगी। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि कुछ आपके ऐसे इंटरव्यूज़ हुए जो एज अ व्यूअर मुझे भी काफ़ी वियर्ड लगे, ठीक है, तो जाहिर है जब आपने वो देखे होंगे मे बी आपको भी वियर्ड लगे हों, कैसा रिस्पॉन्स था या क्या आपने फील किया जब आपने वो इंटरव्यूज़ देखे, क्या आपका रिएक्शन था बेसिकली? जी दो तीन हमारे वीडियोज़ ऐसी हैं जो कि हमें ना बाद में देखने के बाद पता चला कि वो हमसे ठीक नहीं बनी है ना, तो वो उसमें कुछ चेंजिंग होनी चाहिए थी बस। आप क्या कहें? मैं तो पजल ही हो गया था अपनी वीडियोस देख के, यार ये क्या हो गया, फिर लोगों के कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि यार नहीं, लेकिन अब उन्हें लोगों को कौन समझाए अब अंदर की बात क्या थी, आप हमें बता दें अंदर की बात क्या थी, लोग ये भी तो देखेंगे ना, तो अंदर की बात अब लोगों को पता चल जाएगी, आपके पास एक मौका है कि आप क्लियर कर सकें अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जो कमेंट्स आपको बैड आए हैं जो भी वीडियोस पे जो कुछ आइडियाज वियर्ड थे, वो सबसे पहला सवाल लोगों का यही था कि देखें वो आइडियाज अगर आपको किसी ने बताया भी आपने उस आइडिया को एक्सेप्ट क्यों किया, दैट वॉज द बिगेस्ट क्वेश्चन। समझ मेरी अकल जो है ना तब घास खाने गई हुई थी, कब कुछ भी पता नहीं चल रहा था, इतने ज्यादा फोन पे फोन आ रहे थे हमें इंटरव्यू दो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आप इस चीज़ को फील कर सकते हैं कि जब बंदे का जो स्टार्ट होता है ना मीडिया के अंदर, तो समझ में नहीं आ रहा था, समझ से सब कुछ बाहर था, और फिर बाद में मतलब जब मैं अपनी वीडियो खुद ही देखता ना मैं बड़ा परेशान हो जाता, यार ये क्या हो। हमने खैर कुछ लोगों से कहा भी है कि डिलीट कर दें वीडियो, लेकिन नहीं कि उनकी मर्ज़ी है, क्या कर सकते हैं हम उसमें, कोई नहीं, लेकिन आई होप आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखा हो और मज़ीद आप ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, क्योंकि यू नो यू आर अ वेरी क्यूट फैमिली माशाल्लाह, मिलके पता चल जाता है कि कौन से अच्छी फैमिली है, कोई यू नो कैसे हैं, तो एक बहुत ही डिसेंट अच्छी फैमिली है, रिस्ट्रिक्टेड फैमिली है जहाँ पर हर चीज़ की आज़ादी नहीं होती है, तो ऐसे में आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है अगर आप लोगों ने इनका इंटरव्यू करना भी है तो एक लिमिट में रहकर उन टॉपिक्स को जो भी आपने डिसाइड किए होते हैं
इस तरह के टॉपिक्स करें जो एटलीस्ट फैमिली बैठकर देख सके, क्योंकि ये खुद एक बहुत अच्छी फैमिली है। तो कोई नए लोग जो ऐसे आते हैं उनको परेशान ना करें, क्योंकि ऑब्वियसली किसी को नहीं पता चलता, किसी को आइडिया नहीं होता है कि आप क्या करोगे बाद में एडिट करके। सो काइंडली इस चीज़ का ध्यान रखा करें। मैंने आपका सारा गिला शिकवा मैंने बोल दिया, सही किया? हाँ, बहुत अच्छे किए। अच्छा, नेक्स्ट क्या प्लान है अस्मा? अब नेक्स्ट क्या, मतलब माशाल्लाह फेमस तो आप दोनों हो गए हो, ठीक है, आपको लोग जानते हैं, आपके वो तो अपने YouTube को चलाएंगे और जाहिर है YouTube में आपके बगैर तो वीडियोस बन नहीं सकती। आपका कोई पर्सनल कोई आपने प्लानिंग की हो? पर्सनल अभी की तो नहीं है, बस यही था ना कि घर अभी अपना नहीं है, तो बस पहला प्रेफर यही है कि हमारा घर अपना बन जाए। व्हाट एल्स? आपकी जगह कोई और लड़की होती ना, वो कहती मेरा यही प्लानिंग है, मैंने मेकअप बहुत अच्छा खरीदना है, कपड़े बहुत अच्छे खरीदने हैं, फिर मैंने फलाने पार्लर पे जाके हेयर डाई करवाना है। मैंने बगैर मेकअप के भी बहुत पसंद करता हूँ। तो वो तो हम भी बहुत पसंद करते हैं। आपने तो मेकअप किया हुआ है। मैं उनकी बात कर रही हूँ, उनको विदाउट मेकअप बहुत पसंद करते हैं हम। हाँ, मैं विदाउट मेकअप आ गई तो लोग डर के भाग जाएंगे। अच्छा ठीक है जुहेब, मैं चाहूँगी कि आखिर पर इनके लिए कोई गाना, जो नहीं गाना तो आज हम सुनेंगे, लास्ट टाइम बहुत प्यारा गाना गाया था इनके लिए, अपनी वाइफ के लिए गाना गाना कौन सा, अपने मेरे लिए गाना, मैं उठ जाती हूँ। ये द माइक इज ऑल योर्स। ऐसा इंटरव्यू तो होश है राजी बाजी, बस यही वाला गाना। अपने तू दिल का बता दे, चाहूँ मैं या ना, तू ही ये मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना। नींद बड़ी आ रही है। नींद बड़ी आ रही है। हाँ ना बेटे ने तो अब डांस करना शुरू किया था, बट बाबा ने गाना बंद कर दिया। झूम रहा है ना, अब मुझे भी तो नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, आपने बहुत ज़्यादा इनके टाइम ले लिया है, क्योंकि दोनों की रूटीन ऐसी है, मैं बल्कि आखिर ही बोल रही थी कि आपकी बहुत हेक्टिक रूटीन है, पूरा दिन ऑलमोस्ट हाफ डे जो है ये स्कूल में होती हैं। अभी अभी ये आई हैं स्कूल से, आती आपके सामने बच्चे को संभाल रही हैं, फिर देखें 3 बजे बच्चे आ जाते हैं ट्यूशन वाले, उनको स्टडी करवाएंगी, फिर उसके बाद रात के वक्त मैं आ जाऊंगा, फिर मेरे साथ मुझे टाइम देंगी, मतलब फिर बाहर घूमो सैर सपाटा करो, यानी बड़ी बिजी रूटीन जा रही है फिलहाल तो। सो मच, आपने अपनी बिजी रूटीन से हमें टाइम दिया, और मैं विश करती हूँ कि आपका जो यूट्यूब चैनल है वो मज़ीद तरक्की याफ्ता हो, और आमीन। हाँ, और एंड पर मैं चाहूँगी आप दोनों मिलकर जो भी आपने मैसेज देना है देखने वालों को वो दे दें, रिलेटेड टू योर इंटरव्यू, जो बैड कमेंट्स आपको आए, जिन्होंने आपको क्रिटिसाइज़ किया, उस हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। जो मेरा मैसेज तो यही है कि भाई आवारा गर्दी करने से, पूंडी करने से बेहतर है कि बंदा शादी करके जिम्मेदारी को संभाले। इसके इससे क्या होता है कि आपको जिम्मेदारी का भी पता चल जाएगा, असल ज़िंदगी क्या है वो भी पता चल जाएगा। तो ये आवारा गर्दी पूंडी करना इसमें कुछ भी नहीं रखा, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी शादी कर ली। तो ये है कि इस सुन्नत को पूरा करें आप लोग भी। थैंक यू सो मच जुहेब एंड अस्मा, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर दोबारा, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी एक बार फिर से इन दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा होगा। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि जब आप किसी को देखते हैं, किसी की लाइफ को देखते हैं, तो अप्रिशिएट किया करें, किसी की खुशी में खुश हुआ करें, और इससे अल्लाह ताला भी खुश होते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो शायद क्रिटिसिज्म करना पसंद करते हैं। बिल्कुल, मैं फ़नी भी हूँ, शरारती भी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दिल का बोरा हूँ या मैं डिसेंट नहीं हूँ। डिसेंट अपनी जगह पे है, शरारती अपनी जगह पे है। और घर पे मैं जब भी आता हूँ तो आप मेरी वाइफ से पूछ सकते हैं कि मैं कितना एक्टिव बंदा हूँ, इतना बिजी रहने के बाद भी अपनी फैमिली को बाइक घुमाने फिराने लेके जाता हूँ। कभी आज तक मैंने ये नहीं कहा कि भाई मैं नहीं आप लोगों को बाइक नहीं लेके जाऊँगा, मैं कहता हूँ कि उठो क्या कर रहे हो, हालांकि थंगा होता मैं काम से, मैं कहता हूँ कि नहीं चलो। तो शरारती, और कुछ लोग समझे कि जो शरारती या यानी बोलता ज़्यादा है वो डिसेंट नहीं होता, डिसेंट होता है वो बंदा भी, बस ये होता है कि उसका दिल साफ है, नीयत साफ है और दिमाग ठीक है उसका।
कि इसका डिसेंसी से वाकई कोई वो नहीं है, ये इंसान की नेचर होती है। एक इंसान अगर जो है वो खामोश रहना पसंद करता है तो दूसरा बोलना पसंद करता है, ये दोनों की डिफरेंट नेचर है। इससे किसी के दिल का अच्छा होना या बुरा होना ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एंड अगेन, किसी को क्रिटिसाइज मत करें, दूसरों की खुशी में खुश होना सीखें, और सबसे बड़ी बात कि इज्जत करना सीखें, तभी आपको भी इज्जत मिलेगी। वेल, आपको आज का इंटरव्यू कैसा लगा है हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।